नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवीन ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मेष लगन में बुध 12 भावों में क्या क्या फल देगा इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। मेष लगन में बुध थर्ड हाउस यानी त्रिष्टाय भाव का स्वामी, सिक्स्थ हाउस यानी त्रिक भाव का स्वामी, दो अशुभ भावों का स्वामी होने से बुध मेष लगन में पापी हो गया। बुध लग्नेश मंगल को शत्रु मानता है। मेष लगन में बुध अकारक ग्रह है। मेष लगन में बुध फर्स्ट हाउस में मेष राशि में होता है। जातक चंचल एवं अस्थिर स्वभाव वाला होता है, तर्क वितर्क करने वाला होता है, धर्म के विषय में स्वतंत्र विचार वाला होता है, हसमुख मिलनसार होता है, मैथमेटिक्स में गणित में बहुत एक्सपर्ट होता है, ज्योतिष विद्या का जानकार होता है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, डिसीजन पावर अच्छी होती है, बिजनेस के क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होती है। बुध लगन में दिग्बली होता है, लेकिन रोगेश रोग भाव का स्वामी, सिक्स लॉर्ड का स्वामी लगन में जातक की बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है। जातक को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मेष लगन में सेकंड हाउस में बुध वृष राशि में होता है। जातक अच्छा वक्ता होता है, बुद्धिमता अधिक होती है, वाणी में मिठास होती है, परिवार के सदस्यों और भाई बहनों के सुख में कमी होती है, व्यवसाय के क्षेत्र में उतार चढ़ाव होते हैं, व्यवसाय वृद्धि के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, धन की बचत नहीं होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा रहती है। मिथुन राशि में बुध थर्ड हाउस में स्वराशि का होता है। जातक बुद्धिमान साहसी पराक्रमी मेहनती होता है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, लेखन के कार्य में कुशल होता है, अच्छा शिक्षक होता है, तार्किक शक्ति बहुत अच्छी होती है, भाई बहनों से संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। मेष लगन में फोर्थ हाउस में बुध कर्क राशि में होता है। जातक के माता से अच्छे संबंध नहीं होते, जमीन जायदाद संपत्ति वाहन के सुख बहुत संघर्ष करने के बाद ही मिलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अड़चने आती हैं, परिवार के सुख में भी कमी रहती है, मानसिक अशांति भी रहती है। मेष लगन में बुध फिफ्थ हाउस में सिंह राशि में होता है। जातक कल्पनाशील होता है, संवेदनशील होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है, संतान संबंधी चिंताएं भी रहती हैं, संतान प्राप्ति में भी रुकावटें आती हैं। जातक बुद्धिमान होता है, अच्छा कानूनी सलाहकार बन सकता है, ज्योतिष में बहुत रुचि होती है, कर्म कांड व आयुर्वेद का जानकार भी होता है, नई नई योजनाएं बनाने में बहुत कुशल होता है। मेष लगन में बुध सिक्स हाउस में अपनी उच्च राशि में होता है। यह हर्ष नामक विपरीत राजयोग है। जातक उच्च शिक्षित होता है, डॉक्टर केमिस्ट आयुर्वेदिक ज्योतिषकर ज्ञाता होता है। जातक भाग्यशाली होता है, सुखी व स्वस्थ होता है, जातक धनवान होता है, कंपटीशन में भी सक्सेसफुल रहता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त करता है, शत्रु खुद ही हार मान लेते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। मेष लगन में बुध सेवंथ हाउस में तुला राशि में होता है। जातक बुद्धिमान तेजस्वी होता है, समाज में मान सम्मान अधिक होता है, जीवन साथी भी शिक्षित होता है, आर्थिक पक्ष और शारीरिक सुख में कमी रहती है, वैवाहिक जीवन में परेशानी रहती है, यदि किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो तलाक भी हो सकता है। मेष लगन में बुध एट्थ हाउस में वृश्चिक राशि में होता है। यह विपरीत राजयोग है। जातक धनवान होता है, हालांकि जातक की शिक्षा कम होती है, पारिवारिक सुख में अशांति का वातावरण होता है, जातक को स्किन डिजीज भी हो सकती है, गुप्त रोग का भी भय रहता है।
मेष लगन में बुध नाइन्थ हाउस में धनु राशि में होता है। जातक का भाग्य कमजोर होता है, पिता से भी संबंध खराब होते हैं, लेकिन भाई बहनों से अच्छे संबंध होते हैं, भाई बहनों का सहयोग भी मिलता है। धन कमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, व्यवसाय में बाधाएं रुकावटें आती हैं, बुद्धिमता में भी कमी होती है। मेष लगन में बुध टेंथ हाउस में मकर राशि में होता है। व्यापार नौकरी में जातक को बहुत परेशानी होती है, जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, माता को भी कष्ट होता है, भूमि मकान संपत्ति आदि के संबंध में बहुत उलझने आती हैं, धन हानि भी होती है। जातक शिक्षक बन सकता है, बैंकिंग इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी जा सकता है। मेष लगन में बुध 11th हाउस में कुंभ राशि में होता है। जातक बहुत संघर्ष के बाद विद्या प्राप्त करता है, संतान संबंधी परेशानी होती है। जातक अपनी गुप्त युक्तियों से शत्रुओं से लाभ प्राप्त करता है। जातक के शत्रु बहुत होते हैं, उन पर विजय भी प्राप्त करने में परेशानी होती है। मेष लगन में बुध 12th हाउस में मीन राशि में होता है, यानी कि अपनी नीच राशि में है। जातक की शिक्षा कम होती है, बुद्धिमता में कमी होती है, डिसीजन पावर कम होती है, व्यवसाय में व्यापार में कठिनाइयों के बाद ही गुजारे लायक आय प्राप्त करता है। बहुत अधिक प्रयासों से ज़्यादातर विफलता ही मिलती है। साहस पराक्रम में कमी होती है, भाई बहनों से भी संबंध खराब रहते हैं। नमस्कार।